जी हाँ, मैं पुणे जा रही हूँ अपने सांता क्लॉज को लेने और मिलवाऊंगी सांता क्लॉज से। मुझे लगता है आपको ना ज्यादा लाकर के कैमरे पे दिखाना मेरे लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा। आप तो मेरी वाट लगा रहे हो। सलाम सत श्री अकाल राम राम और आप सभी को रतन राजपूत का एक्साइटमेंट से भरा हुआ प्रणाम। फाइनली आज मैं महीनों आई थिंक एक महीने के बाद घर से बाहर निकल रही हूँ और वो भी मुंबई में नहीं बल्कि मुंबई से बाहर। टाउन के बाहर जाने का मज़ा ही कुछ और है। आज मैं सड़क पे ऐसे निकल रही हूँ जैसे गांव का बच्चा पहली बार शहर जाकर चकाचौंध देखता है। शायद वैसी हालत होने वाली है मेरी। रामेजू आ गए क्या? एक मिनट, अचानक तैयारी हुई है, मतलब मेंटली मैंने अपने आप को अचानक प्रिपेयर किया कि मुझे आज ही निकलना है, तो तैयारी बहुत कम है और फटाफट निकलना है बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। जर्नी हमेशा मॉर्निंग में मैं करती हूँ। सुनना बाबू, तू पानी का वाटर रख ले। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि बहुत अभी अफरा तफरी है, घर ऐसे ही गंदा शंदा छोड़ के मैं निकल रही हूँ। कल होगा घर को रेडी करूँगी। कहाँ जा रही हूँ, किससे मिलने जा रही हूँ, रास्ते में बात करते हुए चलेंगे। बाय। गाड़ी में बैठते ही लॉन्ग ड्राइव के नाम पे मुझे भूख लग जाती है और अभी मैं खा रही हूँ सैलड। खाना नहीं खाया है क्योंकि लंच टाइम पे ही प्लान हुआ कि मैं निकलने वाली हूँ। पहले फ्यूल हमारे पेट में जाएगा, फिर हमारी गाड़ी के पेट में जाएगा। बिल्कुल कार में डीजल वीजल नहीं है। जब से कार में बैठी हूँ मेरा पूरा पैक खटखट 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 हो रहा है क्योंकि 4 से 5 घंटे की जर्नी के लिए मैंने जो अपने बास्केट को भरा है, मैं वो भानुमति का पिटारा दिखाऊंगी। फिलहाल मेरा मन कर रहा है कि मैं चाय पीने का मन कर रहा है। वैसे घर पे चाय पीने का मन नहीं करता पर अभी मन कर रहा है। पर आपको बता दूं, फिलहाल मैं मुंबई में ही हूँ, अभी मुंबई के बाहर नहीं निकले। तो अगर मैं चाय नाश्ते के लिए यहाँ रुकती फिरती रही ना तो रात को मैं रिटर्न नहीं हो पाऊँगी बिकॉज रात को 11 बजे तक कर्फ्यू है। मैं एकदम ऐसे खड़ी हूँ जैसे गांव का निकला हुआ बच्चा, एकदम तंग कर दिया मैंने। मैं सब कुछ लेकर आई हूँ, हाँ, प्लेट कटोरी ग्लास चम्मच, बस कहीं जाना है और ऐसे मांग लेना है चाय दे दो खाना दे दो। मुझे पता था कि कहीं भी हाइजीन का ध्यान रखना है मुझे, तो खाना तो मैं खा लूँगी गर्म गर्म करवा के, लेकिन मैं बाहर का खाऊंगी, मुझे नहीं खाना है घर का खाना। मैंने घर का भी खाना रखा है। बहुत भूख लगी, बहुत। सैलेड खा लिया, वेफर्स खा लिया, अब मेरी पूरी नज़र पराठे पर है। सो जाती हूँ, सोने से भूख हट जाएगा। ये जर्नी वाली भूख है, ये पेट वाली भूख नहीं है। मुझे सफ़र में भूख प्यास और नींद, और ये भी ये आता ही आता है। मेरे एक ड्राइवर थे बचपन में, बिंदेसर जी, मेरे नहीं मतलब मेरे पापा के ड्राइवर थे, वो कहते थे रसू जी भी जा रही हैं क्या? तो माँ कहती थी हाँ, तो भैया देख लीजिएगा खाना पीना, ये भूख प्यास साथ ही ले ले चलती और इसके लिए तो मत पूछो, भरी बाजार में मैं तंग कर देती थी। जाना है मतलब जाना है, देयर इज नो कंट्रोल, डायपर बेबी मुझे कहा जाता था। अभी भी कुछ खास नहीं बदला। हर मॉल का, हर शहर का चप्पा चप्पा ये कहाँ है मैं छान मार रहा है। मेरी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस। कल है क्रिसमस और आज मैं निकली हूँ पुणे के लिए और मैं लेकर आऊंगी वहां से अपने सांता क्लॉज को। जी हाँ, मैं पुणे जा रही हूँ अपने सांता क्लॉज को लेने और मिलवाऊंगी सांता क्लॉज से। वॉल्यूम दे दो, थोड़ा सा नाच लूँ मैं। अब जाकर मुंबई से बाहर निकली हूँ और मुंबई पुणे, मतलब मुंबई से पुणे का हाईवे पकड़ने में मुझे 2 घंटे लग गए हैं, बहुत ट्रैफिक था।
और टेंशन ये है कि रात को 11 बजे तक मुंबई वापस लौटना है क्योंकि कर्फ्यू स्टार्ट हो जाएगा 11 बजे से। आई होप मैं टाइम पर होंगी। और अभी तक कोई टपरी नहीं मिला है, कोई मुझे चाय नहीं मिली है, तब से मैं मग लेकर बैठी हुई हूँ कि कहाँ टपरी मिलेगा और मैं ऐसे चाय मांग लूँगी। बट ज़्यादा टाइम बीच में इंजॉय करने को भी नहीं होगा कि मैं कहीं उतर करके थोड़ी तफरी मार लूँ, क्योंकि मुझे टाइम पे लौटना भी है और अपने सांता क्लॉज को भी लेना है। और मेरा सांता क्लॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, टाइम का पाबंद है, तो मैं ज़्यादा टाइम पास नहीं कर सकती। ये जगह मुझे बहुत अच्छा लगता है। लाइट्स देखो ना, टनल में घुसते ही बचपन में कितना मजा आता था ना, मुझे अभी भी मजा आता है। बाय द वे, मैरी क्रिसमस, कल क्रिसमस है। और अच्छा हाँ, मैं आज जर्नी क्यों कर रही हूँ और अचानक क्यों आज निकलने का आइडिया आया, वो इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि 25th को जो मैं ट्रैवल करने वाली थी ना, मुझे लगा कि बहुत डेंजरस होगा क्योंकि 25th, 31st, 1st, मतलब 25th December, 31st December, 1st January मैं अवॉइड करती हूँ ट्रैवल करना, क्योंकि उस दिन लगता है कि सब इतने मस्ती में ड्राइव करते हैं, मुझे घबराहट होती है। इसलिए मैंने अचानक ही 24th का आइडिया बनाया कि आज ही निकलते हैं। आप लोगों को ये कल मिलेगा देखने को वीडियो, लेकिन ये ट्रैवलिंग 24th की है। चाय पिला दो यार किसी के घर पे, क्या रास्ते में कोई सब्सक्राइबर का घर नहीं है क्या? चाय चाहिए, चाय। कहीं सुंदर सा मुझे टपरी नहीं मिला, और एक जगह मिला तो रोमिजुल ने रोका नहीं। स्टूपिड, मैंने फिर कॉफ़ी लिया है, पता नहीं चाय कैसी होगी। कैसी है चाय? कॉफ़ी भी अच्छी है, पराठा खाएंगे इसके साथ। मैं आपको फटाक से अपना संदूक दिखाती हूँ, संदूक नहीं मेरा बास्केट। पीछे इतना कचरा है कि मुझे यहाँ खाने पीने का मन ही नहीं कर रहा। यहाँ से निकलते हैं कॉफ़ी पीकर फटाफट, कहीं और चाय पियेंगे। चाय नहीं मिला, कॉफ़ी मिली है और उसके साथ मैं खा रही हूँ इसी कलर की कॉफ़ी विद ब्राउनी। खाते हैं कॉफ़ी विद ब्राउनी, खाते हैं कॉफ़ी, पीते हैं ब्राउनी के साथ। मैं तीसी लड्डू के साथ कॉफ़ी पी रही हूँ, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, पता नहीं कैसा रहेगा। ट्राई करना घर में, मुझे लगता है बहुत बुरा कॉम्बिनेशन नहीं है, तीसी का लड्डू विद कॉफ़ी। क्या बताऊँ मैं, खुश हूँ या दुखी? मुंबई से निकली और लगा पुणे पहुँच गई। रास्ते में कोई ऐसा जॉइंट नहीं आया जहाँ पे मैं खूबसूरत वादियों में सुंदर सुंदर साड़ी पहनकर लहराऊँ, इतराऊँ और आप लोगों को व्लॉग बनाकर दिखाऊँ। कुछ नहीं हुआ, बास्केट भी खाने का यूँ भर के लाई थी जैसे पता नहीं पिकनिक ही मन जाएगा, पर पिकनिक के लिए एक स्पॉट नहीं मिला। मैं बड़े गुस्से में हूँ और अब मैं जा रही हूँ अपने मामा जी को लेने के लिए, यानी कि मेरे सांता क्लॉज। और जब वो आ जाएंगे तो फिर उनके मूड पे रतन राजपूत चलेगी और ये व्लॉग भी उन्हीं के मूड पे चलेगा। तो आई डोंट नो मैं कितना क्या शूट कर पाऊँगी। फिलहाल मैं मामा जी के घर जा रही हूँ, वहाँ मैं ये बंदूक नहीं निकालूंगी क्योंकि बंदूक के निकलते ही सब लोग यूँ डर जाएंगे, तो वहाँ पे शूटिंग नहीं होगी। अब देखते हैं बैक टू मुंबई जाने के रास्ते में कुछ अगर हम शूट कर पाएँ या घर पे शूट कर पाएँ तो फिर मिलेंगे, नहीं तो यहीं पे इजाज़त दीजिए। राम राम, जय भारत, शब्बा खैर, सैड वाला शब्बा खैर, नहीं सैड वाला राम राम नहीं। ओके बाय बाय बाय। जादू की तरह आपको भी धूप चाहिए मॉर्निंग की। बाय द वे, मैं अब मेरा और मामा जी का भी नेगोशिएशन चल रहा है कि मामा जी को कैमरे से छुपा कर रखना है या वो कैमरे पे दिखेंगे। मामा जी कैमरे अपने छुपा के, व्हाट, ओहो अच्छा अच्छा। तो अब आप क्या बोल रहे थे कि मैं क्या नहीं हूँ? मैं कोई नहीं रहा थोड़ी हूँ जो आप हमको बक्सम बंद कर रखो। अरे एक मामूली आदमी हूँ और एलियन भी नहीं हूँ जिसको आप छिपा के, जैसे बच्चे लोगों ने एक फिल्म में रखे थे, वैसी भी कोई बात नहीं है। हाँ। तो इसलिए छिपाने का तो कोई ऐसा नहीं है। बाय द वे मेरे मामा कोहिनूर के हीरा, नहीं कोहिनूर से कम भी तो नहीं है, इसलिए हम छुपा के रखना चाहते हैं। खैर
तो फिलहाल मैं रहती थी अकेली और मैं अकेली रह रह के हो गई हूँ बोर। और माँ है पटना में, पुणे में थे मेरे मामा। तो मैंने कहा माँ माँ जी को पकड़ा जाए और कुछ दिन इनका सर खाया जाए। तो अब हम मुंबई के घर में अकेले नहीं मिलेंगे, मैं और मेरे मामा जी आपके साथ में मिलेंगे। लेकिन बेटा, सर खाने के लिए आप कितनी देर तक सर खाएंगे, उसके बाद से आप क्या खाएंगे? उसके बाद आप हमारे लिए कुछ खाना बनाएंगे, फिर हम वो खाएंगे। आप हमारे लिए खाना बनाएंगे ना? आप फ़ोन पे मेरे को बहुत ये सब ये दिलासा देते रहे हैं, मैं तेरे लिए नाश्ता बनाऊंगा, मैं तेरे लिए खाना बनाऊंगा, मैं तेरे लिए लोरी सुनाऊंगा, ये सब बोलते आ रहे थे ना। हाँ, तो नीतीश कुमार का ही वोटर मैं हूँ। मतलब तो नीतीश कुमार वोट दिया था। अच्छा, मतलब नेता की वो जो क्या प्रॉमिस, नेता वाला वादा। असली काम तो हो गया, बाकी काम देखा जाएगा। देखिए मामा जी, ये कोई बात नहीं है। देखिए, हम कोई सेवा सत्कार नहीं करेंगे, आप मेरे को थोड़ा सा पैम्पर करेंगे। अच्छा, मैंने सुनी सेवा सत्कार की आपसे उम्मीद करना तो आपसे भी ज्यादा जीनियस होगा। करेक्ट, सेवा सत्कार का मामा जी उम्मीद नहीं करते हैं उससे, वो जानते हैं मुझे। नहीं, उम्मीद करते हैं, लेकिन ये भी जानते हैं कि उम्मीद कभी पूरा नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि मैं आपका मामा तब से हूँ जब से बिल्कुल आप बिल्कुल छोटे, मतलब बिल्कुल बहुत पहले से हूँ, जब से सावित्री थे ही नहीं। हाँ, तब से हूँ और अब तक वही हूँ, बड़ा बुरा हूँ। यही क्या कम है? मामा की पदवी आपने छोड़ी नहीं है, आप मामा की पदवी पर बैठे हैं, विराजमान है तब से, है ना? तो क्यों नहीं मैं बोलता हूँ कि देखो, तुम्हारे जन्मदिन में मैं ये गिफ्ट दूंगा, वो गिफ्ट करूँ। आज तक दिया क्या है आपने, मुझे ये बताइए। तुमको आशीर्वाद दिया है? आशीर्वाद के अलावा आशीर्वाद दो, बस आप तो बोले हम आशीर्वाद दे दिए। मामा जी, कहा जाता है दिया तो कुछ गिफ्ट जाता है ना, एक भी गिफ्ट नहीं दिया। आशीर्वाद तो आपको दिया है, उससे आप कन्वर्ट करो जिस गिफ्ट में चाहो। मैंने बोला तुमको कोठी हो जाए, बंगला हो जाए, तुम प्राइम मिनिस्टर बन जाओ। अब तुम मत बोलो, तो मेरी क्या गलती है भैया? तो मुझे लगता है ना, सारे पॉलिटिशियन इनके ही चेला होंगे, इन्हीं से सीख कर गए झूठा वादा। नहीं, हाँ 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 हाँ, मैंने तो ये पॉलिटिक्स जो सीखा है वो तुमसे सीखा है। मेरे को बदनाम किया जा रहा है, सारे आम बदनाम किया जा रहा है। सारे आम कहाँ हो गया, ये सब अपने लोग हैं। इसमें मामा जी, ये शूटिंग जब होता है तो सारे आम हो जाता है, इसमें से कुछ छुपा नहीं रह सकता है, ये सब कुछ आ जाएगा। तो आप ऐसा कीजिए कि बोली कि वो सरेआम है, इसलिए आप लोग इस पर चर्चा मत करो। सरेआम चीज़ को क्या देखना, कोई स्पेशल चीज़ को देखना चाहिए ना, इसमें कुछ स्पेशल नहीं। तो जो देखने वाले होंगे अब उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं? आप लोग समझ सकते हैं कि पूरे रास्ते ट्रैवलिंग में क्या हो रहा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन मैं बता दूं कि अब आपकी रतन घर पर अकेली नहीं है, वो अपने मामा जी के साथ हैं। तो आप लोग बहुत चिंता करते थे ना मेरी, कि अकेली हो तुम, स्ट्रेस दिखती हो और किसी के साथ, माँ को क्यों नहीं बुला लेती। तो मैंने माँ को तो नहीं बुलाया, क्योंकि वहाँ पे दीदी है, फैमिली है, मामा जी को बुला लिया। नहीं, झूठ मत बोलिए, आपने माँ को बुलाया। देखिए, माँ ने बता दिया कि देखो हम दो चार मतलब जा चुके, अब हमको हौसला नहीं बचा तुम्हारे यहाँ। मतलब माँ ने रिजेक्ट कर दिया आने से? माँ ने तो लक्ष्मी ने, तो सरस्वती ने, सावित्री ने कहा, बहन का नाम बोल के, लक्ष्मी ने, सरस्वती ने, सावित्री ने। अरे तो तुम्हारी कई मौसी है ना, काहे नहीं समझते बात को, का खाली यही सावित्री एक है, और तो हमारी कितनी है वो सब। हे लक्ष्मी मौसी, हे सरस्वती मौसी, मेरे ऊपर कृपा करे, करे है ना। खैर, कृपा बेचारी क्या करेगी तुम्हारे ऊपर, सरस्वती तो खास तौर से बेचारी हार गई है कृपा करते करते तुम्हारे ऊपर। लक्ष्मी कहा था तो बात ठीक है, ये बात सही है। सरस्वती मौसी ने तो कभी मुझ पर कुछ बरसाया ही नहीं, हाँ लक्ष्मी मौसी ने बरसाया। आपने दूर से उनको प्रणाम कर लिया, लोग नजदीक से प्रणाम करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके लिए चंदा इकट्ठा करते हैं, आपने दूर से प्रणाम कर दिया। सरस्वती मौसी को सिर्फ मैं नृत्य और अभिनय के टाइम पे याद करती थी, बाकी टाइम पे याद नहीं करती थी। अच्छा, हाँ याद करती थी ना थोड़ा सा, हमको लगता है कि थोड़ा बहुत फाँकी मारा है उसमें भी मैंने, इसलिए अभिनय में भी थोड़ा लुढ़क जाती हूँ। खैर, तो आप सब समझ चुके हैं, मामा ये हैं, तो ऑफ कोर्स मेरी मौसी तो लक्ष्मी मौसी और सरस्वती मौसी होंगी, तो ये है हमारा परिवार। और नहीं, और पार्वती मौसी भी है। पार्वती मौसी कौन है मामा जी? वो मौसी तो आपका कितना अच्छा चल रहा है। मुझे लगता है आपको ना ज्यादा ला कर के कैमरे पे दिखाना मेरे लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा, आप तो मेरी वाट लगा रहे हो। आपको वाट लगा रहे हो
कैसे हम तो आपकी तारीफ कर रहे हैं। ये तारीफ है? अरे सरस्वती जी भी, अगर सरस्वती के पास जाइए तो लक्ष्मी जी थोड़ा रुक जाती हैं। जितने भी सरस्वती के क्लास ऊपर कर लो, जो सरस्वती जी के पास जाते हैं उनको क्या मिलता है? उनको गोल्ड मेडल मिलता है, चादर मिलता है, जिसका कोई जरूरत होता है जैसे चूहा खा जाता है। राष्ट्रपति देता है, क्या देता है? चादर देता है। वही खाता और गोल्ड मेडल भी किसी काम का नहीं होता, कबर्ड में रखा रहता है। मेडल तो रंगा हुआ होता है, रंगा हुआ होता है गोल्ड मेडल, करेक्ट पेंटेड। कोई गोल्ड मेडल सचमुच गोल्ड का थोड़े होता है। ओलंपिक में जिसके लिए कितना दौड़ते हैं वो तो रंगा हुआ होता है, और जिसको आजकल लोग वापस भी करते हैं, मेड इन इंडिया या इंडिजिनियस मेडल होगा वो कैसा होगा। चादर वापस कर दिया लोगों ने, मेडल वापस कर दिया। वापस क्या नहीं करते, लक्ष्मी मौसी को वापस नहीं करते, है ना? नहीं, और वो दूसरी जगह लक्ष्मी मौसी को कोई वापस नहीं करता। नहीं बेटा, तो लक्ष्मी मौसी कोई भी वापस नहीं करना करना चाहिए। आप इसे सीखा है मैंने मामू, आप इसे सीखा है, लक्ष्मी मौसी को कभी वापस नहीं करना चाहिए। नहीं कभी नहीं, कभी नहीं, हमसे भी टैक्स लेती रहती है। अच्छा तुम लोग गिफ्ट लाओ भैया, गिफ्ट लाओ। मैं मामा जी पर ही गई हूँ, तो हम दोनों का यूं ही अभी चर्चा और गप्पे चलती रहेगी। आप लोगों से मैं दूसरी नहीं, अब मैं नहीं, आप लोगों से हम मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए इतना ही। मामा जी वो करेंगे राम राम जय भारत शब्बक है, राम राम जय भारत शब्बक है। देखो भाई, हम राम राम करेंगे तो हम 84 बरस के हैं, राम राम के बाद कोई बाद में कुछ और बोल दे। नहीं, वैसे तो राम का नाम सत्य ही है, इसमें कोई बुराई नहीं है। चलिए तब तक के लिए इतना ही, राम राम जय भारत शब्बक है। तो आप मिल रहे हैं आज मेरे सांता क्लॉज से, जो कि है मेरे मामा जी, और मैं तो हूँ ही आपकी अपनी। बाय द वे पता है मामू, मुझे आज तक क्रिसमस में सांता क्लॉज ने कभी गिफ्ट नहीं दिया। आज तक सांता क्लॉज ने क्रिसमस पे मुझे कभी गिफ्ट नहीं दिया, बचपन से अब तक मुझे कभी गिफ्ट नहीं मिला। अब इस लायक थी ही तो मिले। कोई चोर चाहे कोई गिफ्ट देता है, कोई चोर चाहे पॉकेट मार बच्चा को कोई गिफ्ट देता है कोई? हाँ क्यों नहीं देता है, चोर चाहे इंसान बचपन से थोड़ी होता है, उसकी कमी रहती है। जी नहीं नहीं, आप बचपन से, नहीं नहीं मैं आपको बचपन से जानता हूँ, आप चोर चाहे बचपन से है, सांता क्लॉज क्यों देगा आपको? सांता क्लॉज नहीं देता था इसलिए मैं चोर चाई हो गई। आप लोग अब जाइए, आप लोग अपने घर में अपने बच्चों के साथ ऐसा गपशप मारिए। अब यहाँ पे बच्चे, मैं मामा की बच्ची हूँ तो हम लोग ऐसा चलता रहेगा। बाय बाय, टाटा। हम पहुँच चुके हैं मुंबई शहर, लौट के बुद्धू घर को आए। खिचड़ी या गीला चावल, आलू टमाटर की सब्जी या रोटी सब्जी? रोटी सब्जी, ठीक है भाई। तो हम चले हमारे मामा जी के लिए रोटी सब्जी बनाने, और आप लोग भी इंजॉय कीजिए क्रिसमस। मेरे सांता क्लॉज मेरे घर पे आ चुके हैं, और इस बार क्रिसमस पे मैं गिफ्ट लेकर रहूँगी। मुझे कभी नहीं मिला है गिफ्ट, बट इस बार मुझे लगता है कि मिलेगा। हाय, मैं पूरे व्लॉग में इतरा नहीं सकी, थोड़ा दूर से मेरी साड़ी दिखाओ ना। अच्छा, न्यू साड़ी ये मुझे मेरी सिस्टर ने गिफ्ट किया है, रागी ने। और अगर आपको भी अच्छा लगता है तो यू कैन बाय। इस पर कैमरा बना हुआ है, प्रीटी नो। मैं कैसे लग रही हूँ? जाऊँ अब खाना बनाने? घर में पहले मैं सिर्फ अकेली धमा चौकड़ी मचाती थी, अब मैं अपने मामा जी के साथ धमा चौकड़ी मचाऊंगी। तो फिलहाल इतना ही, राम राम जय भारत शब्बा खैर, याद करते रहिएगा और हमें प्यार देते रहिएगा। अब हमें प्यार की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमें थोड़ा सा हिस्सा मामा जी को भी देना।